हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सीधा फर्स्ट डे से आज आ गए हैं फिफ्थ डे पर। यानी कि आज है बप्पा का विसर्जन, बप्पा का घर पे लास्ट डे। तो अभी दोपहर हो चुकी है, भोग बप्पा को लगा दिया है, अभी फाइनल आरती की तैयारी है बस, फिर उसके बाद करेंगे विसर्जन और आपको दिखाएंगे। ये 5 दिन बप्पा के साथ पता नहीं चला कैसे गए हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार, भक्ति अनुसार जितनी सेवा उनकी कर सकती थी करी है। बस बप्पा तो सबके विघ्नहर्ता, सबके प्यारे हैं, तो वो तो खुश हो ही जाते हैं, होने भी चाहिए। बड़े मन से करते हैं सब उनकी सेवा, और मैंने भी अपने तो मन से की है अपनी तरफ से। तो अभी बस लास्ट में मैं अब भोग तो लगा दिया है मैंने, अभी फाइनल आरती करेंगे बस, फिर उसके बाद मैं अपने सोसाइटी के गार्डन में इस बार विसर्जन करूंगी। वैसे घर पे करती हूँ अंदर ही, आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा, इस बार हम बाहर करेंगे। और उसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ही ली है, थोड़ी बहुत जो रह गई अभी करते हैं। और आपको दिखाती हूँ कि कहाँ करेंगे विसर्जन, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारी सोसाइटी का पार्क, और इसी में ही हम विसर्जन करेंगे, बिकॉज घर पे पॉसिबल नहीं है इतने सारे लोगों के साथ विसर्जन करना, तो यहाँ करेंगे। लिया आपने, बस नीचे ही करेंगे हम सबके साथ मिलके सोसाइटी में हम पापा का विसर्जन। एक बार आपको पापा के दर्शन कराएं, और देखा आज का दिन खुशी का दिन ही है। आप सेट तो नहीं होना चाहिए, पर जैसे पापा 5 डेज से हमारे घर पे आए हुए थे ना, तो एक ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे घर पे ना कोई गेस्ट आए हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हैं। उनके साथ रहने की एक आदत हो जाती है, सुबह उठ के उनकी आरती करना उनके साथ एक रूटीन बन जाता है। तो जैसे अब कल से वो सारा रूटीन ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ, पर पता नहीं क्यों आज मन थोड़ा उदास है। पापा के जाने पे खुशी तो होती है, थोड़ा दुख भी होता है। जो लोग पापा को लेके आते हैं वो समझ सकते होंगे कि उनके जाने पे दुख भी होता है। तो आज मन थोड़ा उदास है। इवन रुद्र कह रहा था, मम्मा एक दिन और रोक लें, हम 6 डेज में कर लेते हैं। मैं कहा बेटे हम 5 डेज में ही करते हैं। तो अभी बस लास्ट फाइनल आरती की मैं तैयारी कर रही हूँ, और जो पापा के लिए हार बनाऊँगी वो आपको दिखाऊँगी। और बस बकेट में, क्योंकि पापा इतने बड़े नहीं हैं, बकेट में आ जाएंगे, तो मैंने ड्रम वगैरह का कोई अरेंजमेंट नहीं किया है, तो बकेट में ही मैं विसर्जन करूँगी। अभी जो मैंने लास्ट ईयर बड़े वाला बकेट लिया था वो ही मैं तैयार करूँगी। तो बस अभी करती हूँ मैं पापा के लिए हार की तैयारी, फिर फाइनल आरती की तैयारी। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। से तो पापा को ना रोज़ ही नई माला चढ़ती, डेली चेंज होती है माला पापा की, पर लेकिन ये ना मैंने आज के दिन के लिए स्पेशल फ्लावर, दुर्वा और काफ़ी सारे तरीके के फूल सब कुछ मंगवा के रखा था कि मैं अपने हाथ से उनके लिए माला बनाऊंगी दुर्वा की और फूलों की। तो ये उसी के लिए मैंने सारी चीज़ें मंगवा के रखी हैं, अब मैं उनके लिए माला खुद बनाऊँगी।
की माला बनकर हो गई है तैयार। इतनी सुंदर माला बनी है। उसके बाद की पापा की हमने फाइनल आरती यानी कि इवनिंग की आरती, बस शाम को आरती करके उसके बाद पापा को जो है वो विसर्जन के लिए हम नीचे ले जाएंगे।
टेबल पे हाँ टेबल पे एक मिनट कोई बात नहीं अच्छा है ठीक है गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया ਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਲਾਈ
उसके बाद कितनी रौनक लगी, सबने खूब डांस किया, खूब बहुत एंजॉय किया सबने। और देखते ही देखते विसर्जन तो बस ऐसे हो गया कि मतलब मुझे समझ भी नहीं आया इतने लोग इकट्ठे हो गए, इतने लोग दर्शन के लिए आए, विसर्जन में शामिल हुए, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सबने कहा सोसाइटी में पप्पा आए हैं, सोसाइटी सारी ही हमारा घर है, तो पूरी सोसाइटी में एक बार पप्पा को राउंड लगवाना चाहिए, पप्पा हमारी पूरी सोसाइटी को देख लें और कृपा करें। तो फिर मैंने पप्पा को लिया और सब लोग मेरे साथ थे और हमने पूरी सोसाइटी का एक राउंड पप्पा को देख लगाया, जैसे कि हम घर में लगाते हैं, जाते जाते पप्पा हमारे पूरे घर पर देख कर अपनी नज़र डाल के जाएँ, अपनी दृष्टि डाल के जाएँ और सब जगह अपनी जो है वाइब्स छोड़ के जाएँ, सब जगह अपनी कृपा बनाए रखें। ये सब सोच के हमने पूरी सोसाइटी का राउंड लगाया, वन बाय वन सभी ने पापा को अपनी गोद में लेके और पूरी सोसाइटी का हमने राउंड लगाया। और उसके बाद ला के हमने पापा को जो मैंने पानी तैयार करके रखा हुआ था, हमने उसमें पापा को विसर्जन किया। रास्ते में सभी ने खूब डांस किया, खूब मस्ती की, जैसे कि हम घाट पर विसर्जन के लिए जाते हैं ना, उसी तरह का माहौल बन गया था। इस तरह का ग्रैंड तरीके से मैंने विसर्जन कभी नहीं किया, मैं तो घर में छोटा सा विसर्जन करती थी, पर कहते ना उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो उन्होंने कुछ इस तरह का इस बार प्लान बनाया हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा।
बैक एवरीवन। विसर्जन हो चुका है, सब सब चले गए। अभी गार्डन में हम अकेले ही हैं, सब जा चुके हैं। हस्बैंड को भी कहीं मीटिंग में जाना था, वो भी जा चुके हैं। सोसाइटी वाले भी जितने आए हुए थे सब चले गए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़े अच्छे से विसर्जन हुआ। लग ही नहीं रहा था कि वो हमारे सिर्फ हमारे घर पे आए पप्पा हैं, ऐसा लग रहा था सोसाइटी के पप्पा हैं। और सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छे से विसर्जन हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मन को बड़ी खुशी हुई। और पप्पा भी चले गए हैं, ये हैं लास्ट दर्शन पप्पा के। थोड़ा सा रह गया, हाथ नहीं लगाते रुद्र, हाथ नहीं लगाते बेटे, हाथ नहीं लगाते, पिटी कर दूंगी। बस अब रह गए हम तीन। बस अभी मैं वेट कर रही हूँ थोड़ा। पापा की मूर्ति जो है हल्का सा दिखाई दे रही है, वो थोड़ा नीचे चली जाए और उसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे और फिर ऊपर भी आरती करनी है खाना की। तो ये था आज का विसर्जन की वीडियो ब्लॉग। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और पापा आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, कृपा बनाए रखें, सबकी मनोकामना को पूरी करें, अगले साल जल्दी से आए, सुख शांति समृद्धि बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय कर दो, अच्छा बाय करो, एक बार बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय करो, पहले बाय करो, सबको सबको करो, बाय बाय कर दो, बाय निवान बाय करो, बाय 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 नहीं करें।